हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशमी फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो गाइज, आज मैं आपके साथ में चॉकलेट मूस की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे आप केक्स कपकेक्स में तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया डेजर्ट के रूप में इसे अपनी मनचाही टॉपिंग के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। चॉकलेट मूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और इसको इस तरीके से पीसेज में कट कर लेना है। तो पीसेस में कट करने का फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत जल्दी आसानी से और इवनली मेल्ट होती है। और अब इसको मैंने एक कप मेजर करना है, तो इस कप में इसको मैंने डाल के एक कप मेजर कर लेना है। तो एक कप ये ग्रेटेड चॉकलेट मतलब लगभग 170 ग्राम्स के बराबर होती है। तो इसको एक कप मैंने मेजर कर लिया। अब इसको हम एक साइड में रखेंगे और एक पैन में मैंने हाफ कप फुल फैट क्रीम यूज़ की है, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ पर आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, हैवी क्रीम जो आती है। यहाँ पर मैं फुल फैट क्रीम यूज़ कर रही हूँ और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम बॉयल आने तक गरम करेंगे। तो लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से चिपकने का इसका बहुत डर रहता है। तो कंटिन्यूस चलाते हुए इसको मैंने फर्स्ट बॉयल आने तक गरम कर लिया। ये देखिए बबल्स आ गए हैं साइड्स में। अब मैंने गैस को ऑफ कर देना है और गैस बंद करके अब इसमें यहाँ पर हमें जो हमने डार्क चॉकलेट कट करके रखी थी उसे मिक्स कर देंगे। और देखिए इस तरीके से हम स्पैचुला की हेल्प से इसको मिक्स करते जाएंगे। तो चूंकि क्रीम हमारी गर्म है तो ये बहुत आसानी से मेल्ट हो जाती है चॉकलेट। तो यही काम आप डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। तो डबल बॉयलर में किस तरीके से चॉकलेट को मेल्ट करना है ये मैं अपनी कई रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ गाइज। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ज़रूर दे दूँगी, आप उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से चॉकलेट मेल्ट की जा सकती है। तो ये देखिए ये हमारा चॉकलेट गनाश बन के रेडी हो गया। तो पहले हमने चॉकलेट गनाश बनाया। अब एक सूखे हुए बाउल में मैंने यहाँ पर एक कप व्हिपिंग क्रीम डाली है। तो इसको हम व्हिप करेंगे पहले लो स्पीड पे इलेक्ट्रिक बीटर से। लगभग एक मिनट तक मैंने लो स्पीड पे बीट करना है और धीरे धीरे करके हमको स्पीड बढ़ाते जाना है। तो पूरी तरीके से व्हिप होने में इसको लगभग लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं। ये देखिए ये क्रीम हमारी अभी पूरे तरीके से व्हिप नहीं हुई है। ये देखिए अभी काफ़ी ढीली क्रीम है, बहुत लूज सी ड्रॉप हो रही है। तो हमको थोड़ा इसके स्टिफ पीक्स आने तक व्हिप करना है। तो मैंने 1-2 मिनट और इसको व्हिप किया, ये देखिए। और अब ये देखिए बिल्कुल स्टिफ पीक्स आ चुके हैं इसमें, आप देख पा रहे होंगे। और अब इसमें मैंने इसको पूरा साइड से क्लीन किया पहले। देखिए पूरी एयर इसमें भर चुकी है। जब हम व्हिप करते हैं तो क्रीम में एयर फिल हो जाती है। और अब इसमें हमने ये जो चॉकलेट गनाश बनाकर तैयार किया था उसको डाल देंगे और इसको अब अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए पहले स्पैचुला से हमने मिक्स किया, आप चाहें तो स्पैचुला से फोल्ड भी कर सकते हैं इसको। मैंने हल्का सा पहले स्पैचुला से मिक्स किया है और अब इसी इलेक्ट्रिक बीटर से मैं एक बार और अच्छे तरीके से मिक्स करने के लिए इसको कुछ सेकेंड्स के लिए चला दूँगी। तो ये देखिए इससे मैंने मिक्स कर लिया और इसके कारण चॉकलेट इस व्हिप्ड क्रीम में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। देखिए कितना फ्लफ़ी हमारा चॉकलेट मूस बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल वेलवेटी टेक्सचर आया है इसका। तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से मिनटों में बिल्कुल चॉकलेटी वेलवेटी मखमली चॉकलेट मूस बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसको हम फटाफट से सर्व करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने शॉट ग्लासेस यूज़ किए हैं इस तरह के, आप किसी भी ग्लास में सर्व कर सकते हैं या फिर कोई बोल भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने ग्लासेस को फिल कर लेना है। ये देखिए और अब इसके ऊपर से टॉपिंग मैंने चोको चिप से की। आप कोको पाउडर को भी डस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। आप जिस तरीके से सर्व करना चाहते हैं या जिस तरह की टॉपिंग ऊपर से देना चाहते हैं आप उस तरीके से सर्व कीजिए। देखिए कितना बढ़िया हमारा चॉकलेट मूस बनकर तैयार हुआ है। अब सारे ग्लासेस में मैंने इसको फिल कर लिया और ऊपर से सबकी टॉपिंग मैंने चोको चिप से कर दी। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।